स्टूडेंट्स, जो आज मेरे डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम इसमें देखें इस केसेस में कि हाउ आई कैन डिफाइन अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन, इन सिंपल वर्ड्स अगर हम ट्रांसक्रिप्शन को डिफाइन करना चाहें तो वी कैन से दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच द इंफॉर्मेशन इन ए स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू ए न्यू मॉलिक्यूल ऑफ मैसेंजर आरएनए दैट इज एमआरएनए। दूसरे शब्दों में इसको और तरीकों से भी हम परिभाषित कर सकते हैं, वी कैन से दैट द सिंथेसिस ऑफ आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू वन ऑफ द टू डीएनए स्ट्रैंड्स इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। इन अनदर वर्ड जो हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। नाउ देयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल जो मैसेंजर आरएनए या आरएनए के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। नाउ उसके अतिरिक्त कुछ और एक्सेसरी सहायक प्रोटीन्स भी जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वी कॉल इट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो हम यहाँ पे आपको दिखाए इसलिए। नाउ अब दो चीजें आती हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं व्हाट दे डू, क्या करते हैं ये डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस पर बाइंडिंग करते हैं, वो प्रमोटर हो सकता है या इनहेंसर हो सकता है, और इसके बाद ही ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया आगे प्रारंभ होती है आरएनए पॉलीमरेज के बाइंडिंग से। और जो न्यूली फॉर्म्ड मैसेंजर आरएनए की कॉपी होती है वो क्या होती है, वो किसके, वो जीन की कॉपी होती है, और ये एक ब्लूप्रिंट की तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के ट्रांसलेशन के तौर। नाउ दूसरी स्लाइड हम देख सकते हैं कि दिस इज अबाउट द बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया हम प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों के केसेस में पढ़ते हैं, बट आई हैव टेकन हियर ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। आरएनए पॉलीमरेज बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये बैक्टीरिया में जो किसी भी, चाहे वो मैसेंजर आरएनए हो, राइबोसोमल आरएनए हो, ट्रांसफर आरएनए हो, सभी जितने ऑल आरएनएज आर बीइंग सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज। अगर हम इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं तो ये देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे इस स्लाइड में दिखाया है कि 1, 2, 3, 4 अब प्लस फिफ्थ पांचवा, तो ये फोर जो पॉलीपेप्टाइड्स है, तो अल्फा, वन बीटा, अनदर बीटा प्राइम, दे मेक कोर एंजाइम। व्हेन सिग्मा सब यूनिट्स गेट अटैच्ड विद द कोर एंजाइम इट मेक्स होलो एंजाइम। ये कंप्लीट बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज होता है जो क्या करता है कि जो जो प्रमोटर साइट पर बाइंडिंग करता है और जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को स्टार्ट करता है। सो इसमें हमने जो मेंशन किया है, जो दिखाया है कि इनके जो अलग अलग जो सब यूनिट्स होती हैं, अल्फा है, बीटा, बीटा प्राइम सब यूनिट्स, इनके मॉलिकुलर वेट्स क्या क्या है, और ये जो जो आरएनए सिंथेसिस का जब निर्माण करते हैं तो इन रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल, जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, CTP है, GTP है, UTP है, इसको सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के रूप में इस्तेमाल करके जो है क्या करते हैं, आरएनए का निर्माण करते हैं। नाउ अब इसमें हम जब बढ़ते हैं कि नाउ अब आप देख सकते हो, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेप्स, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स दैट इज इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मेन तीन स्टेप्स को हम जानते हैं, दैट इज इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, एंड द लास्ट वन इज द प्रोसेसिंग। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द इनिशिएशन, इनिशिएशन में क्या होता है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है
वो क्या करता है, अनवाइंड होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और वो क्या करता है, सेपरेट होता है, एक ओपन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। नाउ वहां पर जहां पर जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को प्रारंभ होनी है, वहां पे आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, बाइंड करता है और पूरे स्ट्रैंड पर वो मूव करते हुए आगे मैसेंजर आरएनए का निर्माण करता है। इसके बाद जो लास्ट में जब डीएनए के जो टर्मिनल एंडिंग पर ये पहुंचता है आरएनए पॉलीमरेज, तो वहां पे कुछ और प्रोटीन एसोसिएट होती हैं, जहां पर क्या होते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया का टर्मिनेशन हो जाता है। इसके बाद जो न्यूली जो सिंथेसाइज्ड आरएनए होता है, जिसको नेसेंट आरएनए कहते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है। नाउ आप इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये आरएनए पॉलीमरेज है, और इसके बाद इस आरएनए पॉलीमरेज के सारे सारे इसमें ये बाइंडिंग जो है डीएनए मॉलिक्यूल से होती है। तो ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहां पे कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेंसस सेक्वेंसेस होते हैं, ठीक है, -10 पोजीशन और -35 पोजीशन। तो प्रोकैरियोट्स के केसेस में जो -10 पोजीशन, जो 10 बेस पेयर बिफोर स्टार्ट पॉइंट होता है, और वहां पे 6 बेस पेयर सेक्वेंसेस होते हैं, जिसको हम कहते हैं टी ए सी टी, ये जो है ये एक्चुअली ये प्लाज्मिड के केसेस में स्टडी किया गया है, और इसमें बैक्टीरियल केसेस में 6 बेस पेयर सीक्वेंसेस होते हैं, जिसको टाटा बॉक्स कहते हैं, TATAAT का प्रिबनो बॉक्स। और -35 पोजीशन पर जो है, यहाँ पर एक और बड़े कंसेंसस सीक्वेंस होता है, जो जिसको हम रिकॉग्निशन रीजन कहते हैं, जो होता है TTGACA, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये बॉथ टुगेदर फॉर प्रमोटर साइड फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। नाउ अब हम जब बात करते हैं कि जब स्टेप्स की, तो इस पहले के स्लाइड में हमने बताया था कि इनिशिएशन इनिशिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और इनिशिएशन के दौरान हम देख सकते हैं इस फेजेस में क्या होता है एक्चुअली, कि जो आरएनए पॉलीमरेज का जो सिग्मा फैक्टर होता है, वो व्हाट इट कॉजेस, इट हेल्प्स इन द रिकॉग्निशन ऑफ स्टार्ट सिग्नल्स ऑन डीएनए मॉलिक्यूल, एंड व्हाट इट डज, डायरेक्ट आरएनए पॉलीमरेज इन सेलेक्टिंग द इनिशिएशन साइट। और इसके बाद क्या होता है कि वंस आरएनए सिंथेसिस इज इनिशिएटेड, जब प्रमोटर साइट पर बाइंड कर गया, इनिशिएशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, तो इसमें क्या होता है कि जो जो सिग्मा फैक्टर है, वो सिग्मा फैक्टर क्या होता है, दे गेट्स डिसोसिएटेड, और वो उनसे अलग हो जाता है, और रिमेनिंग जो पॉलीपेप्टाइड्स है, जिसको हम कोर एंजाइम कहते हैं, यही कोर एंजाइम क्या होते हैं, दे ब्रिंग्स अबाउट इलॉन्गेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो इस केसेस में आप देख सकते हैं कि ये जो सिग्मा फैक्टर का डिसोसिएशन और इनका पुनः एसोसिएशन कोर एंजाइम के साथ किसके लिए, आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस केसेस में जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, डिटेल्स में जाते हैं, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो और प्रिबनो बॉक्स इत्यादि की जो हमने यहाँ पे डिटेल्स में चर्चा करी है, जब अगला जो चरण होता है जो इलॉन्गेशन का होता है, जब प्रमोटर साइट को आरएनए पॉलीमरेज छोड़ करके आगे 5' टू 3' डायरेक्शन में मूव करता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बबल्स बनता है। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हैं, और यहाँ पे लोकल अनवाइंडिंग हुई है, जहाँ पे एक न्यूली सिंथेसाइज मैसेंजर आरएनए आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो आरएनए डीएनए हाइब्रिड हेलिक्स का निर्माण करते हैं। और इसके बाद क्या है कि जब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये कोडिंग रीजन, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड पर ही कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस की पेयरिंग होती है,
और इस तरह से आरएनए पॉलीमरेज पूरी डीएनए की लंबाई में आगे बढ़ता चला जाता है और इनको पूरी कंप्लीटली ट्रांसक्राइब कर देता है। इनके पॉलीमरेज के मूवमेंट का डायरेक्शन जो दिखाया गया, आप देख सकते हो कि 50 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड की इस दर से करता है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बैकवर्ड पीछे की तरफ रिवाइंडिंग होने लगती है, जो लोकल अनवाइंडिंग होती है वो रिवाइंड पूरा है अपने सामान्य स्थिति में आ जाते हैं, एंड इन फॉरवर्ड अक्सर डायरेक्शन व्हाट वी सी देयर इज लोकल अनवाइंडिंग। तो इस क्रम में ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। इलांगेशन फेज में हम देख सकते हैं कि ये जो चीजें एक 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 करके हमने जो डिस्क्राइब की है, और ये आगे ये जो एमआरएनए के सिंथेसिस आगे बढ़ती रहती है। तो अब दो दो तीन चीजें जो महत्वपूर्ण चीजें हुई कि क्या हुई कि बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम इंक्लूडिंग सिग्मा फैक्टर, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए जो है लीडिंग टू सेपरेशन ऑफ टू डीएनए स्ट्रैंड्स ऑफ व्हिच ओनली वन इज कॉपीड जो या ट्रांसक्राइब्ड, इसके बाद डिसोसिएशन ऑफ सिग्मा फैक्टर एंड देन दे जो ये जो चीज स्लाइड जो हम दिखा रहे हैं जिसमें डिटेल्स में दिया है दैट इलांगेशन ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स विद द हेल्प ऑफ कोर एंजाइम। इसके साथ ही साथ देयर आर सम अदर प्रोटीन्स नुस ए ग्रे बी जो इन इकोलाई बैक्टीरिया में जो अपना रोल जो है प्ले करते हैं। नाउ जब ये आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनल एंडिंग पर पहुंच जाता है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया समाप्त होनी होती है, जिसको हम टर्मिनेशन ऑफ द एमआरएनए सिंथेसिस कहते हैं जो होती है, देयर आर फ्यू प्रोटीन्स जैसे नुस ए वो क्या करता है दे हेल्प इन द टर्मिनेशन विद द हेल्प ऑफ टा आर रो फैक्टर। तो इसमें जो रो की सहायता से जो टर्मिनेशन होता है उसको रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, और जो बिना इसके हेल्प के होता है उसको जो है विदाउट एनी नीड ऑफ रो फैक्टर, इसको रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन कहते हैं। सो विद दिस जो जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है वो कंप्लीट हो जाती है। सो दिस स्लाइड इज एक्सप्लेनिंग द डिफरेंट स्टेप्स, इसमें डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, इसमें आप देख सकते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, और इसमें सिग्मा फैक्टर है, आरएनए पॉलीमरेज है, प्रमोटर साइट पे बाइंड किया है, ये लोकल अनवाइंडिंग हुई है जहाँ पे एक न्यूली ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्मेशन हुआ है, ये टर्मिनेटर साइट है जहाँ पर पॉलीमरेज एंजाइम मूव करते हुए जैसे ही पहुँचता है देयर इज डिसोसिएशन ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज एंड न्यूली सिंथेसाइज आरएनए। नाउ अब जो यूकेरियोटिक केसेस में हम देखते हैं या इसमें देखते हैं आरएनए की प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चरण होता है, ये भी चरण होता है, ये आरएनए स्टेबिलिटी के लिए आवश्यक होता है, और इसमें हम देख सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स में आरएनए ट्रांसक्राइब्स फ्रॉम प्रोटीन कोडिंग जीन्स रिक्वायर्स लिटिल आर नो मॉडिफिकेशन प्राइम टू ट्रांसलेशन, तो इसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। मेनी एमआरएनए मॉलिक्यूल बिगन टू बी ट्रांसलेटेड इवन बिफोर आरएनए सिंथेसिस हैज फिनिश, मतलब आरएनए सिंथेसिस की प्रक्रिया समाप्त होने के पहले ही जो कुछ एमआरएनए मॉलिक्यूल्स में ये क्या होते हैं ट्रांसलेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, साइमल्टेनियस चलता रहता है। और इसमें जो राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए जो सिंथेसाइज होता है प्रिकॉर्सर मॉलिक्यूल के रूप में, इनको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग की कुछ आवश्यकता पड़ती है। सो हम देख सकते हैं कि आरएनए प्रोसेसिंग बहुत ही आवश्यक होता है, खास करके यूकेरियोटिक केसेस में जो हम कैपिंग पॉलीएडेनिलेशन ये सारी चीजें जो पढ़ें के आगे जा करके, लेकिन इसमें उतनी तो नहीं होती है, बट कुछ केसेस में जैसे राइबोसोमल ट्रांसफर आरएनए में इनके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग की आवश्यकता हो सकती है। भाई क्या महत्व है, ट्रांसक्रिप्शन का क्या सिग्निफिकेंस है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इज द मेथड फॉर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने का ट्रांसक्रिप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। इट अकर्स इन प्रिपरेशन फॉर एंड इज नेसेसरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस,
प्रोटीन ट्रांसलेशन की प्रक्रिया सीधे डीएनए से तो नहीं होती है, बीच में एक मध्यस्थ इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट बनता है, जो बायोमॉलिक्यूल बनता है, जिसको हम ट्रांस जो जो आरएनए मॉलिक्यूल कहते हैं, वो आवश्यक होता है। सो देयरफॉर जो आरएनए की रिक्वायरमेंट प्रोटीन ट्रांसलेशन के पहले बहुत ही आवश्यक होती है। क्यों? क्योंकि समस्त सूचनाएं जो डीएनए पर होती है वो आरएनए के ही रूप में आती है, जो बाद में जो ट्रांसलेट होती है। सो दिस इज अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। थैंक यू।